चौथे सत्र में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। अब तक का अगर सत्र देखें तो ये काफी हलचल भरा रहा। इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ और सपा से सांसद जया बच्चन के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। बात इतनी आगे बढ़ गई कि जया बच्चन ने दो टूक कह दिया कि सभापति को तो माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने सभापति पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सभापति को घेर रहा है और उनके खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष अब संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की कवायद में जुट गया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि इस नोटिस के लिए 87 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। ये अनुच्छेद 67 है क्या, हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले समझिए कि आखिर बात यहाँ तक पहुंची तो पहुंची कैसे। सभापति ने विपक्षी सदस्यों को सदन की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी, वहीं विपक्षी सदस्यों ने अपनी बात रखने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों ने आरोप लगाया कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ का रवैया पक्षपातपूर्ण दिखाई देता है और हालत ये है कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने नहीं दिया जाता और उनका माइक बंद कर दिया जाता है। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि आप राज्यसभा की एक वरिष्ठ सदस्य हैं, क्या उस नाते आसन का अपमान करने का भी आपके पास लाइसेंस है। सदन में विवाद तब शुरू हुआ जब सपा सदस्य कुछ दिन पहले भाजपा के घनश्याम तिवारी द्वारा खड़गे पर की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर विपक्षी दलों और सभापति के बीच चल रही तीखी बहस पर अपनी बात रखना चाहती थी। आइए इन सब में जानते हैं कि अनुच्छेद 67 बी है क्या। आपको बता दें कि अनुच्छेद 67 बी के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव के माध्यम से उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है। हालांकि इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे से कम 14 दिन का नोटिस न दिया गया हो। विपक्ष से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि 2 दिन पहले राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा को अनौपचारिक रूप से सूचित किया गया था कि विपक्ष धनखड़ को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने पर विचार कर रहा है।